ओके सो ऑन योर स्क्रीन देर इज अ पी आई क्यू फॉर्म, आप देख सकते हो ठीक है। एंड करना क्या है बेसिकली, तो अगर आपका आपके पास पी आई क्यू फॉर्म है जस्ट ओपन इट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। देखो पहली चीज़ क्या है, एक एक पी आई क्यू फॉर्म क्या होता है ना, पी आई क्यू फॉर्म आपका फर्स्ट इंप्रेशन है किसी भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, कोस्ट गार्ड में जाओ, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो असेसर आपके बारे में देखता है और आपके बारे में जानता है। सो इफ यू कैन से इट्स अ प्रोफाइल बिल्डर, इफ यू कैन से इट्स अ रिज्यूमे, वट एवर यू वॉन्ट टू से इट, जस्ट से इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। नाउ जिस तरीके से आपका पी आई की फॉर्म फिल्ड होता है वो आपके बारे में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी बता देता है कि वॉट काइंड ऑफ पर्सन यू आर और आप कैसे रखते हो चीज़ों को। तो ये हैंड राइटिंग से एंड बाकी बहुत सारी चीज़ों से ही पता चलता है ठीक है। तो अगर आपका पी आई की फॉर्म बहुत गंदा फील्ड है और आपके पी आई की फॉर्म में साफ सफाई नहीं है, आपने बहुत ऐसे ब्रूटली उसको फिल कर दिया कि यार इसका तो कोई सेंस है नहीं एज सच, देन यू आर इन ट्रबल, इन सीरियस ट्रबल है ना। तो आपके चांसेस आप खुद ही रिव्यून करना चाह रहे हो, क्योंकि अगर आपने अपना पी आई की फॉर्म ढंग से नहीं भरा है तो आप प्रॉब्लम में हो, इसकी गारंटी मैं देता हूँ ठीक है। जस्ट अ सेकंड। अगली चीज़ क्या है, आप एक चीज़ ध्यान से देखें, इस पी आई की फॉर्म में आपको एक अलाइनमेंट फॉलो करना जरूरी है। वैन यू हैव रिटन ई उसके नीचे ही आपको आर लिखना है, वैन यू हैव रिटन ए उसी नीचे के अलाइनमेंट को फॉलो करते हुए आपको वी और वाई और ये सारी चीज़ें लिखनी है। यानी कि अलाइनमेंट, एक प्रॉपर अलाइनमेंट, आपको एक लाइन अलाइनमेंट फॉलो करना है। वैन एवर देर आर टू थ्री थिंग्स एक ही लाइन के नीचे एक लाइन आ रही है तो ई के नीचे आर आएगा, ए के नीचे वी, वी वी एंड वाई। दिस अलाइनमेंट ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं डालेगा, पर अगर मैं आपको पूरा पी आई क्यू इन जनरल पहला पेज दिखाऊं एंड इफ देर इज एन अलाइनमेंट, हर चीज़ पे अलाइनमेंट है, दिस विल क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन, ट्रस्ट मी, आपका पी आई क्यू बहुत साफ सुथरा दिखेगा ठीक है। दिस इज जनरल पी आई क्यू, बहुत कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं फील्ड है इसमें, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन फील्ड है, बट द अलाइनमेंट इट्सेल्फ क्रिएट्स अ डिफरेंट थिंग फ्रॉम योर पी आई क्यू। साफ तरीके से अगर आपने अपना पी आई क्यू भरा है तो काफ़ी चीज़ें आपके बारे में रिप्रेजेंट होती हैं। आपकी राइटिंग अच्छी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर पी आई क्यू साफ तरीका। तो पहला है फिल योर पी आई क्यू इन अ क्लीन मैनर, सिंपल एज इट इज। नाउ इंटरव्यू की स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, फर्स्ट फेज आपका नाम पढ़ा जाता है, तो फॉर एग्जांपल दैट कैंडिडेट्स नेम इज इशिता, फिर फादर्स नेम पढ़ा जाएगा। अब ये जो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और ये जैसे नाम लिखा है, मेरे ख्याल से उतना सबको इंग्लिश आता है तो उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट हुआ ये, फोर्थ पॉइंटर आपका ए बी सी, और किसी किसी कैंडिडेट से जिसका नाम थोड़ा यूनिक है या थोड़ा डिफरेंट टाइप का नाम है ना, उसका क्या नाम होगा, उसका क्या क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चनिंग हो सकती है, उसकी क्वेश्चनिंग यहाँ से हो सकती है कि आपके नाम ये क्यों है और इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे इशिता का प्रोफाइल लिया है, पी आई क्यू लिया है, तो अगर इशिता नाम है तो क्यों है, किसने रखा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अपने नाम के बारे में पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है इस नेम की। आपका नाम किसी हिस्टोरिकल फिगर से तो नहीं मिलता है, अगर ऐसा है तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं, थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ये पूछा जा सकता है। दीज आर वेरी जनरल क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू। तो पहला जो सेकंड कॉलम है वहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है ये। अच्छा, इस सेकंड कॉलम से पहले भी एक कॉलम है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, क्या आपका सिलेक्शन बोर्ड, आपका बैच नंबर, चेस्ट नंबर, यूपीएससी रोल नंबर। अब इससे अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे अभी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, पर यहाँ पर जो आप सिलेक्शन बोर्ड फिल कर रहे हो उससे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि आपने ये बोर्ड क्यों चूज करा अगर आपका एड्रेस अलग है। फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडिडेट इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश इटसेल्फ। नाउ अगर ये कैंडिडेट आंध्र प्रदेश में है और इसने एयरफोर्स के इंटरव्यू जाना है और इसने मैसूर चूज ना करके देहरादून चूज करा फॉर एनी स्पेसिफिक रीजन, और इन जस्ट इन केस उसको डेट नहीं मिली, उससे पहला क्वेश्चन या फिर इंटरव्यू के ड्यूरेशन में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि वाई यू हैव चूजन देहरादून, जब वहां पे मैसूर था, गांधीनगर था, वहां पे क्यों नहीं गए, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, इसका आइडिया आपको भी लग जाएगा जब आप देखोगे चीज़ों को कि हाँ यार मतलब इस पे तो, हाँ यार कि मतलब इस पे जो है ना बन सकता है, नॉर्मल कॉमन सेंस से आप जान जाओगे। अब ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिख लेना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस हैं। नाउ अब इसका आंसर आप क्या करते वाले हो, किस किस सेंस में आपने इसको आंसर करा, अब आप इसको अपने पी आई क्यू से कैसे जोड़ सकते हो, दे आर वेरियस थिंग जो अपने पी आई क्यू से आप जोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव रिटन इंटरेस्ट में ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग, एडवेंचर एंड वॉट नॉट, then you can simply say कि सर आई लाइक ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेज एंड आई कैन गो मैसूर इन एनी ऑफ वन ऑफ माई अटेम्प्ट दैट इज क्लोजेस्ट, दिस टाइम आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इंडिया और जस्ट बिकॉज कि मैं देहरादून तक ट्रैवल करना चाहती थी, मैं देखना चाहती थी, आई हैव हर्ड लॉट अबाउट थिंग्स, या चाहता था, तो आप क्या बोल सकते हो। लेकिन वो पी आई क्यू में लिखा होना चाहिए। अब आपने पी आई क्यू में इंटरेस्ट में कुछ लिखा नहीं है ट्रैवलिंग व्रैवलिंग, और आप सिंपली बोल रहे हो कि सर घूमना था, तो वो पूछेगा कि घूमना इज योर हॉबी, इंटरेस्ट, और जस्ट कि ऐसे ही चले आए। आपको अपने पी आई क्यू से चीज़ों को जस्टिफाई करना पड़े। If you are not able to justify things from your PIQ, you will
बी इन ट्रबल इन विद रिस्पेक्ट टू योर सिलेक्शन, है ना, तो आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, बातें होंगी, अच्छी अच्छी चीज़ एंड एवरीथिंग विल हैपन। अभी जो तीन मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लगाए ए बी सी फोर्थ कॉलम, अगर यहाँ पे एड्रेस सेम है तब तो हो गया कि आपको कम पढ़ना पड़ेगा, एड्रेस अलग अलग है तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ये दो चीज़ों पर डिस्कशन हो। अभी सपोज करो कि पहले एड्रेस में आपने बैंगलोर डाला है, यानी कि आपका मैक्सिमम रेजिडेंस बैंगलोर है, आपका प्रेजेंट रेजिडेंस आंध्र प्रदेश है, आपका परमानेंट रेजिडेंस उत्तर प्रदेश है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब इन तीनों केसेस में आपको तीनों स्टेट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है तीनों स्टेट्स के बारे में, कि भाई साहब पहले यहाँ का सीएम कौन है, ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स गवर्नर कौन है, यहाँ पे प्रेजेंटली किस रूलिंग पार्टी की गवर्नमेंट चल रही है, सिंपल ये तीन चीज़ें बेसिक ये बता रही है। फिर आपका जो स्टेट है, अगर आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लें, तो वो किसके किसके साथ कौन से स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये हो सकता है वो चार के साथ कर सकता हो, दो के साथ करता हो, एक के साथ करता हो, या किसी के साथ भी ना करता हो, सिंपल एज इट इज। तो ये आपको करना है, कोस्टल है, बाउंड्री कितनी है, कोस्टल बाउंड्री कितनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो आता है कि आपके स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश लखनऊ, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका, तो बैंगलोर में अगर आपको कहता है एसएसआर कि आई वॉन्ट टू विजिट बैंगलोर, वॉट आर द थिंग्स यू विल शो मी, वॉट आर द थिंग्स दैट आर रियली कूल, वॉट आर द थिंग्स दैट आर रियली वर्दी घूमने लायक, वट यू विल टेल हिम, सिंपल एज इट इज। तो आप उसे क्या बताने वाले हो, ये आपको लिखना पड़ेगा, आप इमेजिन करके नहीं बता सकते। ये आप सोच रहे हो कि सारा ज्ञान मेरे दिमाग में है, मैं वहाँ जाके बन जाऊँगा बाबा और सब बता दूंगा, पॉसिबल नहीं, आप फंस जाओगे। इसको भी प्लान करना पड़ेगा, कैसे, मोस्ट ऑफ द टाइम इफ़ यू हैव बीन टू अ पर्टिकुलर प्लेस, आप उस जगह पे जा चुके हो या फिर आप वहाँ पे रह रहे हो, सपोज करो आप दिल्ली में रह रहे हो पिछले 8 साल से, तो हो सकता है चांसेस ज़्यादा है कि आपने अच्छी जगह को एक्सप्लोर कर लिया होगा दिल्ली में। बट स्टिल अगर आपने एक्सप्लोर नहीं करा है तब आपको थोड़ा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं दिल्ली में रहता हूँ, GTB नगर में, अब मैंने प्लेसेस बता दी कि सर कुतुब मीनार हो गया, फलाना हो गया, ये महल हो गया, वो महल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, ऑल दोस थिंग्स मैंने बता दी कि सर यहाँ से तो आगरा भी पास है, ताजमहल भी जा सकते हैं, वट एवर नॉट। अब उसके बाद अगला ही क्वेश्चन उसने पूछा कि आप कौन कौन सी जगह पे गए हो। सपोज करो आपने बताया कि मैं ये जगह पे गया हूँ, अगर आप गए हो तब तो आप बता लोगे, नहीं गए हो तो अगर आपने झूठ बोला कि यहाँ पे गया हूँ, अगर आपने बोला कि आप नहीं गए हो, आप 10 साल से वहाँ रह रहे हो, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि भाई यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स आउटिंग, सिंपल एज इट इज़। अगर बंदा 10 साल से रह रहा है, 8 साल से एक जगह पर रह रहा है, और वहाँ पे उसकी सिटी के बारे में उसके प्लेसेस को आइडिया नहीं है, उसके पता ही नहीं है कौन कौन सी जगह है, या फिर पता है तो वहाँ गया ही नहीं है, देन आपको क्लियर सेंस से समझ में आना चाहिए कि वट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड वट काइंड ऑफ जॉब यू आर ट्राइंग फॉर। तो अब इसके बीच का जो गैप है ये आपको सब्सटेंशली फिल करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू फिल दिस गैप इन द इंटरव्यू यू विल बी आउट फॉर श्योर, आप कितना भी अच्छा आंसर देके हो, क्योंकि उसको तो क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको लेना है ना। इफ़ यू आर नॉट सोशल, हाउ यू आर नॉट सोशल, दिख रहा है भाई 8 साल से आप जगह ही नहीं जा पाए हो, आप 8 साल से हो लेकिन आप रेड फोर्ट ही नहीं गए हो, क्यों नहीं गए हो, क्वेश्चन आएगा, देर इज नो क्यूरियोसिटी फॉर ट्रैवलिंग, आप कितना बिल्कुल आई लव ट्रैवलिंग, प्रॉब्लम नंबर वन। दूसरा, if you do not know about your place, cities or जो भी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, दिल्ली इज अ यूनियन टेरेटरी, इसका एग्जाम्पल थोड़े टाइम के लिए हटा देते हैं, थोड़ा कोई और लेते हैं, गुजरात हो गया, गांधीनगर में आप रह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या बैंगलोर में रह रहे हो, अब बैंगलोर में आप 10 साल से रह रहे हो, यू शुड बी नोन टू द सिटी, यू शुड बी नोन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी एंड द गुड फीचर्स ऑफ द सिटी और द गुड थिंग्स अबाउट द सिटी। इफ यू आर नॉट नोन अबाउट द गुड थिंग्स एंड द प्रॉब्लम्स, और आप इंटरव्यू में बता नहीं पा रहे 5 प्रॉब्लम, देन आप फिर ट्रबल में, भाई क्यों, एक जगह मैं 10 साल से रह रहा हूँ, मैं बाहर आता जाता रहता हूँ, कपड़े खरीदने जाता हूँ, सब्जियाँ लेने जाता हूँ, लोग आते हैं, रिसीव करता हूँ, रिलेटिव्स आते हैं, और मुझे अगर प्रॉब्लम्स का आइडिया नहीं है तो इसका मतलब आई एम नॉट दैट अवेयर्ड पर्सन, तो वहाँ पे आप फंसोगे। ये आपको पता नहीं चलेगा इंटरव्यू में, वो आपसे पूछेगा कि प्रॉब्लम बताओ, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई प्रॉब्लम तो सर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और वो आपसे इसलिए जानना चाहता है कि आप उस सिटी से आ रहे हो, आप उस जगह से आ रहे हो, तो आपको ज़्यादा पता होगा, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये भी चीज़ जानो कि आपको जितना नहीं पता उससे ज़्यादा उसको पता है, क्योंकि वो वहाँ पे ट्रैवल तो कर चुका होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अनटिलनेस आप किसी छोटे गांव से नहीं आ रहे हो, और आप किसी छोटे गांव से आ रहे हो तो इसका मतलब वहाँ की प्रॉब्लम्स का आइडिया उसे ऑलरेडी होगा, क्योंकि वो वैसे छोटे गाँव में भी पोस्टिंग कर चुका होगा, गाँव की प्रॉब्लम मोर और लेस सब जगह सिमिलर ही है, मोर और लेस, नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे कि यू आर नॉट अवेयर्ड पर्सन, तो आप कितना भी स्टोरी बना लें, कितना भी टैट लिख दें, इंटरव्यूअर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ये बोलेगा कि दैट पर्सन इज नॉट वेरी मच अवेयर, उसको काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने की जरूरत है ऑन अ पर्सनल बेसिस, एंड दैट्स हाउ दे ट्रीट यू इन द इंटरव्यू, बहुत पोलाइटली, बहुत सारी चीज़ें, या फिर बहुत प्रेशर बना के, वो उस पर बात जाएंगे।
तो स्टेट्स हो गए आपके, सिटीज हो गए जहाँ पे आप लिख रहे हो। तो फॉर एग्जांपल बैंगलोर कर्नाटका आपका एड्रेस लिखा है, आपको बैंगलोर के बारे में भी पता होना चाहिए, आपको कर्नाटका के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं, अगर आपने लखनऊ यूपी लिखा है तो आपको लखनऊ के बारे में पता होना चाहिए, आपको यूपी के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस जगह से आप आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। और अगर आपने तीनों जगह अलग अलग लिखी है तो आपको तीनों जगह के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम तो आपने स्पेंड करा ही होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कहीं पे 1 से लेके 5 साल स्पेंड करा है तो उसके कुछ जगह तो आप घूमने गए ही होगे। अगर आप घूमने नहीं गए हो तो सच में आपको एक बार अपने अंदर देखना चाहिए कि मैं इस प्रोफाइल के लिए हूँ भी, जो पर्सन हु डू नॉट लव ट्रैवलिंग, हाउ ही कैन और शी कैन सर्वाइव इन इंडियन आर्मी। पॉसिबली चांसेस थोड़े कम है, आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन फेस करोगे इवन इफ यू गेट सेलेक्टेड आफ्टर मैनिपुलेटिंग योर आंसर्स। तो आई होप वी आर क्लियर ऑन दिस। अब इसके बाद ना पॉपुलेशन का रहता है, यहाँ पे लिखा है 1.18 लाख, 23 लाख, 23 लाख। वाई दे आस पॉपुलेशन को क्या कंसर्न है? दे आस पॉपुलेशन जस्ट टू नो द एक्सपोजर ऑफ योर लाइफ यू हैव गॉट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल राइट, यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड का एड्रेस लिखूँ तो मेरे गाँव का नाम लिखूँ तो मेरे गाँव की पॉपुलेशन लिखनी पड़ेगी मुझे। तो वॉट इज द पॉपुलेशन ऑफ माई विलेज? इट्स अबाउट 1200 पीपल। सो अगर वो मुझे देखता है कि मैं डायरेक्टली गाँव से आ रहा हूँ तो वॉट इज माई एक्सपोजर? 1200 पीपल। अगर उस 1200 पीपल के एक्सपोजर के साथ मैंने पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रखी है तो इट्स एन एडेड एडवांटेज फॉर मी। बट आई लिव इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली या फिर चेन्नई या फिर बॉम्बे या फिर बैंगलोर, बैंगलोर को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट दैट एबल पर्सन कि मैं अच्छी इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, देन आई एम इन ट्रबल भाई। यू वर इन द सिटी जहाँ पे एक्सपोजर 2 करोड़ का है, 3 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, और यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई थिंग्स, आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको प्लेसेस का आइडिया नहीं है, देन यू रियली आर इन ट्रबल। रिकमेंडेशन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर आपका। तो इसीलिए वो पॉपुलेशन पूछता है। तो यहाँ पे फेक लिख दूँ? नहीं, प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। लिखो जेन्युइन, जस्टिफाई करो। बाकी वो जो थोड़ी थोड़ी मैनिपुलेशन वाले पोर्शन हैं वो एंड के लिए लगते हैं। पहले ऑनेस्ट की के साथ देखते हैं, पीआईक्यू और खुद को मैच करते हैं, उसके बीच का गैप फिल करते हैं, फिर वो मैनिपुलेशन वाला तो बता ही दूंगा कि उसमें क्या क्या मैनिपुलेट करके क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग दैट, समटाइम्स वी नीड दैट मैनिपुलेशन। तो फर्स्ट थिंग यू शुड नोट, एसएसबी इंटरव्यू इज नॉट बीइंग ऑनेस्ट, कंप्लीटली ऑनेस्ट। ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी फॉर दीज 45 मिनट्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब झूठ बोलना है, इसका मतलब ये है सिंपली यू हैव टू टेल द थिंग्स विच हैव टू बी टोल्ड ओनली, दैट्स इट। जितना बताना है उतना ही बताना है, कुछ चीज़ें नहीं भी बतानी है। बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ें नहीं बतानी। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है, देन यू आर इन ट्रबल अगेन। तो ट्रबल आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। फिर इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लिखा है, उसका कोई खास रिलेवेंस इस तरीके से माना जाएगा कि वही आपका एक्सपोजर देखने के लिए, बेसिकली फैसिलिटीज़ देखने के लिए, बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपके गांव में हैं, सॉरी आपके शहर में, सिटी में, गांव में स्पेसिफिकली जो भी। तो अगर आपने विलेज लिखा है, सपोज करो परमानेंट रेजिडेंस में आपने विलेज लिख दिया कि रामपुर, फिर आपने अपनी सिटी का नाम डाल दिया लखनऊ, फिर आपने अपना ये मतलब डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दिया लखनऊ, उसके बाद यूपी लिख दिया। तो रामपुर की पॉपुलेशन आपने लिख दी, जहाँ पे 23 लाख लिखी वहाँ पे आपने 1200 लिख दी, 2000 लिख दी। अपना वैसे सर नोज कि आप रामपुर जाते होंगे, तो ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट आपके कॉमन सेंस में कि यू नो समथिंग अबाउट योर विलेज एंड एवरीथिंग, आपको थोड़ा आइडिया हो, एंड यू मस्ट बी और ही इज एक्सपेक्टिंग यू टू बी अ लिटिल बिट सोशल पर्सन, लिटिल बिट मोर देन पीपल हु आर इन सिटी। क्योंकि सिटी का प्रोफाइल कैसा है, मोस्ट ऑफ द सिटी प्रोफाइल जाए अपने काम से काम रखो, पर गाँव का ये प्रोफाइल नहीं, यू मीट विद पीपल, इवन इफ यू आर वॉकिंग अलोन पीपल विल ग्रीट यू, और भैया कैसे हो, और दीदी कैसे हो, और बच्ची ठीक हो, सिंपल लाइक दिस कन्वर्सेशन विल गो ऑन इन योर विलेज। सिटी में थोड़ा प्रॉब्लम लेस है, मुझे तो लगता नहीं कि आप अपने 2 ब्लॉक छोड़ के भी किसी को जानते हो, प्रॉब्लम्स ही आ जाती हैं इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज एंड स्पेसिफिकली क्राउडेड सिटीज। तो ये आपके बारे में ही बता रहा है, दिस इज योर जन्म कुंडली, इससे ही आधा अंदाजा हो जाएगा कि आप सेलेक्ट होने वाले हो या नहीं। इसको सीरियसली नहीं फील कर रहे हो, इसको गंदे तरीके से फील कर रहे हो तो तुम खुद ही बोल रहे हो कि नहीं चाहिए तुम्हारा सिलेक्शन, रखो नहीं आ रहे हो, यू आर डूइंग दैट। इससे कुछ ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो प्रिपेयर दोज क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। आप प्रिपेयर करो, प्लान आउट करो। ट्रस्ट मी, अगर आपका SSB इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता है, अगर आपको असेसर पिक नहीं करता है, आप GTO में 200 नंबर ले आओ, आप साइक में 200 नंबर ले आओ, यू विल नॉट गेट रिकमेंडेड, दिस इज माई गारंटी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपको पास नहीं करा, बाकी लोग आप पे ट्रस्ट नहीं ले पाएंगे। क्यों? वन ऑफ द पर्सन हु इज
देयर, जिसने आपके साथ 45 50 मिनट 1 घंटे बातें करी हैं, उसने आपके इंस्टेंट रिस्पॉन्सेस को देखा है, उसकी बातों का वजन है, आप माने चाहे ना माने। तो अगर उसकी बातों में आप सही तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, देन यू विल नॉट गेट सेलेक्टेड एज फॉर श्योर। तो यू हैव टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू एवरी टाइम वेन यू आर गोइंग फॉर एसएसबी। डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल, आपने किससे क्या सुना है कि यार मैं तो बिना प्रिपरेशन करने गई इंटरव्यू में, आई डिड नॉट प्रिपेयर एन एवरी थिंग, और फिर या किसी दोस्त ने बोला कि यार मैं तो ऐसे चला गया मुंह उठा के। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट दीज वर्ड्स, बिकॉज वो उनके साथ रहा होगा, आपके साथ नहीं है मेरे ख्याल से। तो आपके साथ नहीं है तो प्रिपेयर योर सेल्फ सिंपली एज इट इज, राइट। चलो नेक्स्ट आ जाता है, ये चौथा प्रोफाइल, चौथा पॉइंट है। इसमें ये सारी चीज़ें हो गई कि आपको अपने सिटी स्टेट के बारे में क्या क्या पूछना है। यहाँ पे किसी का कोई डाउट तो नहीं? एनीथिंग एनीबडी वुड लाइक टू आस्क? नहीं। चलिए सो विल मूव अहेड। नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पे आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट लिखा है, रिलीजन लिखा है, SC ST OBC इफ यू आर देयर, तेलुगु हिंदी मद्रासी व्हाट्स नॉट वॉट एवर द मदर लैंग्वेज मदर टंग इज, डेट ऑफ बर्थ सिंगल वट एवर नॉट, ये आपको पता होगा। फिर यहाँ पे पेरेंट्स अलाइव हैं देन येस, इफ पेरेंट्स आर नॉट अलाइव देन यू हैव टू राइट नो एंड यू हैव टू राइट योर एज वैन योर वन ऑफ योर पेरेंट्स डाइड और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स डाइड इफ दैट इज अनफॉर्चुनेटली द केस। तो ये चीज़ें आपको लिखनी। देन इंपॉर्टेंट सेक्शन हेयर, नाउ दिस टेल्स यू कि वॉट इज योर बैकग्राउंड, हाउ वेल यू हैव जस्टिफाइड योर बैकग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फादर की एजुकेशन डिप्लोमा लिखी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट फादर्स एजुकेशन ही इज एम ए लिटरेचर और एम ए इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज अ टीचर एंड ही इज अर्निंग 1 लाख पर एन एम सम असिस्टेंट प्रोफेसर वन नॉट, एंड सेम प्रोफाइल मैंने मदर की डाल दी, तो बोथ ऑफ द पीपल आर अर्निंग मोर और लेस 2 लाख से ऊपर सपोज करो। सो नाउ ही इज एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड फ्रॉम मी एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डिलीवर दैट देन आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई बैकग्राउंड। आई होप यू आर गेटिंग मी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा कि फादर की एजुकेशन 5th, मदर की एजुकेशन 6th, फादर इज फार्मर अर्निंग 4,000-5,000 ऑन एन एवरेज पर मंथ एंड इफ आई एम स्पीकिंग गुड इंग्लिश, डोंट यू थिंक एवरी अदर पर्सन विल बी इम्प्रेस्ड बाय व्हाट आई हैव डन विद माय लाइफ। दैट इज व्हाट ही इज गोइंग टू चेक, व्हाट यू हैव डन विद योर बैकग्राउंड। सो इफ यू पीपल आर नॉट जस्टिफाइंग योर बैकग्राउंड, प्लीज स्टार्ट जस्टिफाइंग इट, यू हैव नो अदर चॉइस। ठीक है, अब आपकी फैमिली में इनकम, मंथली इनकम 2 लाख क्रॉस कर रही है, ही इज एक्सपेक्टिंग सम गुड थिंग्स फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव गॉट द डिजायर्ड एजुकेशन, यू हैव गॉट द डिजायर्ड फैसिलिटीज, यू हैव गॉट एवरीथिंग विच यू वॉन्टेड, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट, ही वॉन्ट्स द सेम रिजल्ट फ्रॉम यू, दैट योर पोटेंशियल लेवल, दैट योर मार्कअप लेवल शुड बी अप टू दैट। आई होप यू पीपल आर गेटिंग इट। नाउ अगेन ही इज आस्किंग द प्रोफाइल्स ऑफ योर फादर एंड मदर, वॉट शी इज डूइंग जस्ट बिकॉज टू चेक कि वो आपको कितनी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते थे, उन्होंने कितना दिया, एंड आफ्टर दैट हाउ मच यू हैव जस्टिफाइड योर एजुकेशन वॉट नॉट। देन हाउ मेनी सिस्टर ब्रदर्स आर देयर, आपकी कौन से नंबर की पोजिशन है, आप सबसे बड़े हो सबसे छोटे हो, इससे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। द पर्सन हु इज एल्डर इन द फैमिली सिबलिंग्स में, अब दो भाई बहन है और सबसे बड़ा है, तो ही विल बी हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल निकल के आएगा, वो एडेड फीचर है, वो आता है। सबसे छोटा है, भाई बहन है, ही विल बी वेरी फ्री फ्रॉम हिज माइंड, ही विल डू व्हाट ही वांट मोस्ट ऑफ द टाइम, ही विल गेट व्हाट ही वांट। हो सकता है एल्डर ब्रदर ने कीपैड में, एल्डर सिस्टर ने कीपैड में निकाल दिया पूरा जीवन, पर नाउ ही गॉट द आईफोन इंस्टेंटली आफ्टर क्लास 12th, यंगेस्ट किड। सो इफ यू आर द यंगेस्ट किड, सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर यू, इफ यू आर द एल्डर, सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर यू, यू हैव टू जस्टिफाई योर सिचुएशन अकॉर्डिंग टू योर एज ऑल्सो, वॉट यू आर डूइंग एट दिस प्रेजेंट लेवल। You're 26 में तो इट इज न्यू थी, यू आर 25 नॉट वर्किंग, वाई यू आर नॉट वर्किंग, वट इज द प्रॉब्लम विद यू, जस्टिफाई दैट। 20 नॉट एनर्जेटिक, नॉट प्लेइंग एनी इवेंट, नॉट कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हैबिट रूटीन में ही नहीं, इंटरेस्ट में ही नहीं, वाई? एट द एज ऑफ 22 इफ यू आर नॉट रनिंग, वट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द असेसर, कि वो कहेगा कि अच्छा बेटा दौड़ नहीं रहे, चलो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा फीचर है। You're going for that organization जहाँ पे फिजिकल फिटनेस की प्राइम इंपॉर्टेंस है और आपके रूटीन में ही फिजिकल फिटनेस है ही नहीं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे कैंडिडेट्स रिकमेंड नहीं होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मैनिपुलेशन दे कैन गेट रिकमेंडेड कि उनकी आंसरिंग कैसी, कितनी, किस लेवल की, बट वाई डोंट यू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन विच यू आर गोइंग फॉर, यू हैव टू बी सम वॉट लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो प्रोफाइल उस तरीके से बिल्ड करके डालो, यू विल लुक मोर अट्रैक्टिव। फॉर एग्जाम्पल ऑन द जस्ट बेसिस मैं आपको हॉबीज एंड इंटरेस्ट बताता हूँ। Hobbies, reading books, watching movies, interest, playing guitar, and then cooking, and then making drawings. This is general hobby for ex-candidate. Y candidate, hobby, gymming,
रनिंग, उसके बाद फिर इंटरेस्ट फुटबॉल, क्रिकेट, ट्रैकिंग, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में कुछ भी आप डाल सकते हो, या फिर ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग, एनी नॉट इट्स अ टोटली डिफरेंट प्रोफाइल। टू डिफरेंट हॉबीज एंड इंटरेस्ट के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट करना ईजी हो जाएगा, जस्ट फॉर द इंप्रेशन ऑफ द फर्स्ट इंप्रेशन। मैं ही नहीं कह रहा बाकी सारी चीज़ें जनरलाइजेशन में बेकार है, कुकिंग वुकिंग नहीं, कुछ अमाउंट में चीज़ें यहाँ पे हैं मोर प्रोन, एक नंबर ज़्यादा ही मिलने वाला है। जो असेसर वहाँ पे बैठा है, ही इज़ नॉट फ्रॉम योर जेनजी जनरेशन, ही इज़ फ्रॉम 60s, मतलब ही इज़ एट 60s, मे बी 50s, तो वो 1980s वाले एरा से आ रहा है, उसके पहले से 70s से, तो ही इज़ फ्रॉम दैट जनरेशन। वाई यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग थिंक कि वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि आप दौड़ते क्यों नहीं, अपने दादा दादी से पूछो, अगर वो किसी फौज या इस तरह के बैकग्राउंड से रहते होगे तो आपका सजेशन क्या होगा, दौड़ो, भागो, एंजॉय करो, जाओ थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। आपके फादर मदर अगर आपसे कभी मिलते होंगे तो कहते होंगे यू कैन रन, यू शुड रन। सो यू आर एमिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू दैट। ट्रस्ट मी, इफ यू से दिस इन इंटरव्यू कि आप अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रहते हो, सर आई डू 100 पुशअप्स इन अ डे, ही विल बी इम्प्रेस्ड, ट्रस्ट मी। और अगर ये किसी लड़की से आता है, आप अभी इंप्रेस हो गए ये सुनने के बाद, कुछ लोग अपने दिमाग में कि सर कैसी बातें कर रहे हो, लड़कियां 100 पुशअप्स थोड़ी कर सकती है। जिसका ये प्रोफाइल है, शी यूज टू डू व्हेन वी वर इन द बैच, शी यूज टू डू 200 पुशअप्स एवरी डे, नॉट इन अ सिंगल स्ट्रेच, 2-3-4 सेट्स, 50-50 के 4 सेट्स, 200 पुशअप्स। अभी मुझे लग रहा है लड़कों में 200 पुशअप्स कोई नहीं करता होगा पूरे दिन में, कोई करता है? एनीवन हु डू 200 पुशअप्स? ओनली ओनली 100 भाई, तो देखो क्या बताऊं मैं अब सीख करो उस ऑर्गेनाइजेशन को ना, आप इसके लिए जा रहे हो, इंक्रीज योर फिटनेस। देखो कोई फिटनेस आपको, आप सेलेक्ट होते हो नहीं होते हो, पर आपकी फिटनेस आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप ज्यादा फिट हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी आपकी जिंदगी के लिए, आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता, उस पर और सारे फैक्टर्स भी हैं। तो अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर चल रहे हो तो एडेड बेनिफिट है ना, कि यू लुक स्मार्ट, यू बी मोर एक्टिव, ठीक है, यू शुड डू, फीमेल्स यू शुड डू एटलीस्ट ट्राई टू गेट 50 इन अ डे, देन इंक्रीज इट टू 100 एंड से दिस इन इंटरव्यू, सर आई डू 100 पुशअप्स इन अ डे, इन 3 सेट्स और इन 2 सेट्स, इन वन स्ट्रेच आई डू 50 पुशअप्स। इफ यू आर एबल टू डू 50 पुशअप्स इन वन स्ट्रेच, गारंटी मेरी है कि ही विल बी इम्प्रेस्ड। ही इज नॉट लिसनिंग दिस, उसको आदत नहीं है सुनने की लड़कियां 50 पुशअप्स कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, और इसमें कोई बॉडी बिल्डर मसल ब्लेज प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। स्टार्ट करो आज से, 1 महीने बाद यू विल बी एबल टू डू 50 पुशअप्स एंड प्रॉपर पुशअप्स, नॉट नी पुशअप्स, प्रॉपर पुशअप्स, आई कैन गारंटी यू विल बी एबल टू डू दैट, यू हैव नॉट थॉट। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसके बिना लड़कियां रिकमेंड नहीं हो रही, हो रही हैं, हो रही है। बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ, दिस विल गिव यू अ मोटिवेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच यू आर गोइंग टू सर्व। आपको क्या लग रहा है कि वहाँ अकेडमी में आपको दही चावल खिलाएंगे, मूवी दिखाएंगे, वहाँ पे तो कराएंगे ना पुशअप्स। तो इफ़ यू हैव अ ड्रीम टू ज्वाइन द अकेडमी, तो अभी कर लोगे तो क्या परेशानी भाई अभी कर लोगे तो क्या दिक्कत है, कि मतलब कोटा पूरा हो जाएगा अभी तो बाद में नहीं, यू विल बी फिट, यू विल फील द कॉन्फिडेंस, सिंपल एज इट इज, डू इट इफ यू वॉन्ट टू डू इट, वाई आई वुड नॉट फोर्स एनी वन, है ना, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे यंगर ब्रदर सिस्टर टू नो प्रोफाइल जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट योर एजुकेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, एंड यू नो दैट। अब इस एजुकेशन प्रोफाइल में पहले आपके 10th के मार्क्स, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, फिर आपका सॉरी 12th के मार्क्स, फिर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, अगर ये डिक्लाइनिंग फेज में, फॉर एग्जाम्पल 10th में आपको 93 मिले, 12th में आपको 60 मिल गए, डिस्कशन पॉइंट, वाई 10% से नीचे का गैप आ रहा है, यू विल बी इन डिस्कशन पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपको 10th में मिले 96, 12th में मिले 86, नॉट दैट मच, हो सकता है पूछ ले कि अच्छा बताओ क्यों कम हो गया, बट उसके हिसाब से ही अच्छा है। बट 10th में 96 मिले, 95 मिले, 92 मिले, एंड फिर सडन ड्रॉप इज 52-72, देन देर विल बी क्वेश्चनिंग कि क्या हो गया ऐसा, क्यों परसेंटेज कम हो गया। ही जस्ट वॉन्ट टू नो, और शी जस्ट वॉन्ट टू नो, फीमेल इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आर ऑल्सो देयर इन योर बोर्ड्स, है ना, बी रेडी फॉर दैट। नाउ ग्रेजुएशन में,
सपोज करो आपने 12th में अच्छा मेंटेन करा, 80s में थे आप, नाउ यू सडनली फॉल टू 50s एंड 60s. ये भी लास्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड विद द ग्रेजुएशन थिंग, व्हाई यू गॉट लेस मार्क्स, यू लास्ट दैट. फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करा है, आपने ग्रेजुएशन में क्या करा है, व्हाई यू हैव चूजन बी कॉम, व्हाई यू हैव चूजन बी ए, व्हाई यू हैव चूजन बी टेक, व्हाई यू हैव चूजन बी एस सी, व्हाट एवर द थिंग्स इज देयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हाँ ओके, सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. हाँ, तो ये बी कॉम किया, बी ए किया, बी एस सी किया, बी टेक क्यों किया, बी कॉम क्यों नहीं किया, बी एस सी क्यों नहीं किया, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन. साइंस क्यों लिया, कॉमर्स क्यों नहीं लिया, आर्ट्स क्यों नहीं लिया, आर्ट्स लिया तो कॉमर्स क्यों नहीं लिया, एंड ऑल दोज क्वेश्चन. फिर क्या क्या पार्टिसिपेशन किया, को करिकुलर किया, क्या नहीं किया, और यहीं पे क्यों पढ़ाई करी. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव चूजन योर यूनिवर्सिटी, सपोज यू आर फ्रॉम कर्नाटका एंड यू हैव चूजन कर्नाटका यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो पूछेगा कि अच्छा डीयू के लिए अप्लाई क्यों नहीं किया, क्या किया, क्या नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया, एंड एवरीथिंग. कोई कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए क्या 12th के बाद, जेई दिया, AI ट्रिपल ई दिया, या फिर कुछ और दिया, कोई और XYZ यूनिवर्सिटी के CUT एंड ऑल दैट, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, सारे क्वेश्चन. तो जितना आपकी लाइफ में और किसी ने नहीं पूछा वो आपसे पूछने वाला है. ऑल थॉरो इन्वेस्टिगेशन एंड यू हैव टू आंसर दैट. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. चलो नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, एज. व्हाई एज क्यों पूछते हैं? एज इसलिए पूछते हैं, दे जस्ट वॉन्ट टू नो वेदर यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू योर एज इन योर लाइफ और नॉट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर 25 एंड यू आर थिंकिंग एंड योर मेच्योरिटी लेवल इज जस्ट ऑफ 18 और 20 ईयर ओल्ड किड, देन यू आर इन ट्रबल भाई, तब नहीं होगा रिकमेंडेशन. सिंपली यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज. 22 साल अगर है आपकी एज तो आपको पास वो एनर्जी होना चाहिए. आप 22 साल में इतने डल साउंड कर रहे हो, लेस एनर्जेटिक साउंड कर रहे हो, आप फिजिकल फिट नहीं हो, तो आप क्यों आना, तो फोर्सेज में जगह ही नहीं है फिर तो, नहीं वैसे ही जगह नहीं है तो ऐसे में तो और जगह कम हो जाएगी. एक्ट अकॉर्डिंग टू योर एज. थिंक कि 22 साल के लड़के को करना क्या चाहिए, या 22 साल की लड़की का गोल क्या होना चाहिए. सो वेरियस SSB बोर्ड्स, लाइक वन प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, AFSB गुवाहाटी बोर्ड के जो आपके असेसर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ही स्पेसिफिकली टेल्स दिस थिंग इन द ब्रीफिंग जब कॉन्फ्रेंस हो जाती है. So I have been there, I have attended the conference, and he had told me, told everybody else, ki what should be the focus of this 20-25 year old of us time pe, kya focus hona chahiye. And if you are not focused on that, then you should have a proper explanation for that. If you are not having that proper explanation, you are in trouble for sure. Ab 23-24, chalo 23 tak it's justified why you are not working, but 24-25 pe you should have some work. If you have a BTech degree, then why you are not working, justify that. If you have a BSc, MSc degree, why you are not working, justify that. What you are doing at this present moment, what other competitive exams you are given, why you are giving these competitive examinations, how you are preparing for SSB, how you are prepared for your written examination, why you have not prepared for any other competitive examination, why you have not given UPSC, why you have not given SSC. You will ask all sort of questions. Thorough investigation. आपकी जिंदगी को पूरा खंगाल के आपके सामने रखा जाएगा. If he is interested, how he will become interested. Otherwise, वो routine question पूछेगा और आपको भगा देगा. आपका PIQ अगर गंदा फेल होगा, आपका PIQ में सही तरीके से details नहीं लिखी होंगी, he'll throw you out. Trust me. Then अगला आ जाता है आपका present occupation. If you are earning, write it down. If you are not working, then leave it. Then NCC करी है कि नहीं करी है. NCC people, जिन्होंने NCC करी है, there will be questions from your NCC also. What is the motto? What is not? Yes, Abhishek. Sir, now I am in NCC, but I didn't do any camp. Okay. And you haven't got the certificate, right? Sir, am I audible?
यू आर ऑडिबल अभिषेक, अभिषेक यू आर नो ऑडिबल, प्लीज सर, कंटिन्यू। आई एम इन द फर्स्ट सर, आई एम इन द सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड रिसेंटली आई एम इनरोल्ड इन एनसीसी। तो ठीक है, दैट्स गुड। व्हाट इज द क्वेश्चन देन? सर मैंने कैंप नहीं किया क्योंकि कोई बात तो अभी नहीं, ज्वाइन ही किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने नहीं करा है। यू आर गोइंग फॉर एनडीए एंट्री, राइट? यस सर। सिंपली वहाँ पे जिस भी बोर्ड में आप जा रहे हो ना, उस बोर्ड वाले जो JCO साहब रहेंगे उनसे पूछना कि सर आई कैन राइट दिस और नॉट, ही विल टेल यू वेदर टू राइट दिस और नॉट। ये ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो कर चुके होते हैं उनके लिए तो लिखना जरूरी होता है इफ यू हैव डन इट, बट अगर तुमने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया कोई बात नहीं, उनसे पूछो। अगर वो कहते हैं कि हाँ लिख दो तो लिख देना, नहीं कहते तो छोड़ देना। इंटरव्यू में जरूर बताना कि सर आई एम करंटली इन टू NCC, राइट? ओके सर। चलो, तो आपका ये जॉब प्रोफाइल से भी क्वेश्चन आएगा इफ यू आर वर्किंग, कि कहाँ वर्क कर रहे हो, क्या रोल है, ये इस सैलरी पे कैसे खर्च करते हो सैलरी। सपोज यू आर गेटिंग 30,000, 40,000, हाउ यू आर स्पेंडिंग दिस सैलरी, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, घर पे कितना देते हो, कैसे खर्च करते हो, घर के बाहर रहते हो, क्या करते हो, क्यों नहीं करते हो, यहाँ क्यों नहीं खर्च करते हो, वहाँ क्यों नहीं खर्च करते हो, क्या लिया नया, कैसे बहन भाई को देते हो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। फिर आपका आ जाता है NCC से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, फिर आपका आ जाता है ये स्पोर्ट्स वाला कॉलम। अब देखो आपने कौन सा स्पोर्ट्स खेला है, कहाँ पे खेला है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट टू चेक कि वेदर यू आर दैट पर्सन और नॉट इन लाइफ, कि जो थोड़ा सा आउट गोइंग था। अब लॉन टेनिस, थ्रो बॉल, बॉल बैडमिंटन, एवरीथिंग इट हैज़ बिन रिटन। यहाँ पे भी कहीं भी स्टेट लेवल और एवरीथिंग इज नॉट देयर। सपोज करो स्कूल कॉलेज में आपने नहीं खेला, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्कूल में खेला ही नहीं या कॉलेज में खेला ही नहीं। कॉलेज में कौन लोग नहीं खेल पाते हैं? वो लोग नहीं खेल पाते हैं जिनका कॉलेज डमी कॉलेज होता है, या फिर जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड ही नहीं थे थ्रू आउट योर जर्नी कॉलेज में। तो अगर आप इन दोनों में से टाइप में हैं तो अभी खेल रहे हैं तो अभी लिख दीजिए उसको। आप स्कूल छोटे छोटे टूर्नामेंट्स अगर इधर उधर खेल पाते हैं तो उसको लिख दीजिए। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं करा है तो आपको अदर्स डाल के लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है अदर्स डाल के यू हैव टू राइट दैट, और उस अदर्स में भी आप क्या खेले, जीते या हारे, वो आपको लिखना है। आपको वो अचीवमेंट समझनी चाहिए मेरे ख्याल से, कॉलोनी में कभी हो गया टूर्नामेंट, है ना, एवरीथिंग ये सब विषय। सर मैंने अपने हाउस के लिए खेला था, लाइक मेरे स्कूल में चार हाउसेस थे, इंटर हाँ हाउस लिख मैचेस सकते खेले हैं, थे। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर स्पोर्ट। तो हम अभी स्पोर्ट पे नहीं जाएंगे बिकॉज आई हैव टू एंड दिस सेशन बिफोर 9। ये काफी एक पूरा डिटेल लेक्चर सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट अभी। आई एम जस्ट ब्रीफिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर्स। नेक्स्ट इज हॉबीज एंड इंटरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। नाउ एक हॉबी इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा है, रीडिंग एंड स्केपिंग, देन म्यूजिक, टेनिस एंड कुकिंग। फॉर एग्जाम्पल इफ मेल इज देयर, 22-23 ईयर एज है, ठीक है, एंड ही इज वर्किंग और मे बी इज नॉट वर्किंग सपोज। अब उसने उसकी क्या हॉबी है वो अलग होगा, 18 ईयर ओल्ड बॉय उसकी क्या हॉबी है अलग होगा, 25 ईयर की क्या हॉबी है ये अलग होगा। आपका रूटीन कैसा है उसके हिसाब से आपकी हॉबी जस्टिफाइड भी लग रही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ वेरी टफ रूटीन एंड यू आर सेइंग कि सर आई रन 10 किलोमीटर अ डे, ही विल हैव क्वेश्चंस इन हिज माइंड, ऑन हर माइंड, कि भैया कैसे। तो कुछ भी नहीं फेंक सकते आप, जो आप करते हैं आप वही बताएंगे, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग यू हैव टू टेल दैट। और आपको मैं सजेशन दूंगा कि एटलीस्ट 2 मिनिमम हॉबीज रखिए और 3 मिनिमम इंटरेस्ट रखिए। सो द PIQ विच यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, इट्स अ जर्नली फिल्ड PIQ। अभी इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, दिस इज अ फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइम फिल्ड PIQ। इसमें इंप्रूवमेंट्स और होंगी, इसमें कुछ चीज़ों को और इम्प्रूव किया जाएगा, इसमें और हॉबीज एंड इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा या डिलीट किया जाएगा। आई एम जस्ट शोइंग दिस PIQ बिकॉज दिस इज द क्लीनेस्ट PIQ। यस शुभम, सर रनिंग कैन बी टॉकिंग अबाउट रनिंग, सो व्हाट इट कैन बी हॉबी और इंटरेस्ट। इफ यू डू इट 4 टाइम्स 5 टाइम्स इन अ वीक इट्स अ हॉबी, इफ यू आर डूइंग 4 टाइम्स इन अ मंथ इट्स अ इंटरेस्ट। आई होप आई एम क्लियर, यस सर, ठीक है। लाइक आई डू तो रेगुलरली रनिंग, सो इट इज माई हॉबी। हॉबी, या हॉबी एंड इंटरेस्ट का डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ। हॉबी वो है कि जो आप डेली बेसिस पे कर पा रहे हैं, उसके लिए टाइम निकाल पा रहे हैं आप। चलो और थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर मिनिमम 4 से 5 दिन आप हफ्ते में कर रहे हैं इन अ वीक, दैट इज अ हॉबी। और अगर यस कोई सर, चीज़ महीने में 2 बार 3 बार कर पा रहे हैं, साल भर में 5-6 बार कर पा रहे हैं या 2-3 बार कर पा रहे हैं, दैट इज एन इंटरेस्ट, दैट इज अ क्लियर डेफिनेशन। तो इस तरीके से आपको हॉबी एंड इंटरेस्ट बनाने चाहिए।
इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर इन कॉलेज, यू शुड हैव सम मोर हॉबीज एंड मोर इंटरेस्ट। बट आपका प्रोफाइल उल्टा ही दिखता है, आप कॉलेज कर रहे हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो, पर आप हॉबी लिखते हो एक, इंटरेस्ट लिखते हो दो। कितना रीजनेबल साउंड कर रहा है कि एक लड़का एक लड़की जो अभी कॉलेज ईयर्स में है, जहाँ पे उसका लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है, जहाँ पे वो बिजी है और उसके पास और सारी हॉबीज होनी चाहिए, कोकरिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए, बट अभी वो क्या है? कुछ नहीं। दिस रेजेज अ क्वेश्चन ऑन द पर्सनैलिटी, वाई ही और शी इज नॉट डूइंग एनी थिंग। सिंपल एज इट इज, हर किसी की हॉबी होती है, हर किसी का इंटरेस्ट होता है, पेन डाउन करने की जरूरत है, प्रेजेंटेशन, देन यू कम विद कोकरिकुलर एक्टिविटीज, देन देयर आर कोकरिकुलर एक्टिविटीज जो आप करते हो स्कूल में कॉलेज में। तो 10th के बाद, चलो 8th मान लेता हूँ, बहुत कम से कम 8th के बाद जो जो चीज़ें करी वहाँ पे लिख सकते हो। अभी कैसे लिखना है क्या नहीं लिखना है उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट सिंपली 8th से आप लिख सकते हो जो जो चीज़ें आपने करी हैं, एंड देन इफ यू हैव सिंपली पार्टिसिपेटेड यू हैव टू राइट पार्टिसिपेशन और पार्टिसिपेटेड। If you have got some place, write it some place, first, second, third. If you got some consolation certificate or whatnot, write that only. Next comes your position and responsibilities which you hold. So suppose करो यहाँ पे ना confusion आ जाता है, लोगों को लगता है कि जिसमें हमने बहुत कुछ अचीव करा है वही वाला लिखना। नहीं, आपको वो सारी पोजिशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिख सकते हो जो आपने सोसाइटी में, अपने घर के आसपास, गांव में, फंक्शंस में होल्ड करी। जैसे आपके गांव में दुर्गा पूजा का पंडाल लगना था या कुछ होना था, भंडारा होना था, एंड यू वर द इंचार्ज, राइट इट डाउन। यू आर हाउस कैप्टन, वॉट नॉट, राइट इट डाउन। आप गली में, गाँव में, या फिर अपने कॉलोनी में क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, राइट इट डाउन। तो यू हैव टू सिंपली, जस्ट अ सेकेंड, यू हैव टू सिंपली राइट डाउन ऑल द थिंग्स विच वेयर यू हैव इन अ लीडिंग पोजिशन। दिस इज वॉन्ट टू चेक कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बीन इन अ लीडरशिप रोल, सिंपल एज इट इज, और कुछ नहीं ज्यादा खास है। दे विल क्वेश्चन इट, क्यों क्वेश्चन करेंगे? बिकॉज दे हैव टू चेक आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। एंड इफ यू गॉट कॉट, भैया मैं तो झूठ बोल रहा था, पकड़ा गया, देन इंटरव्यू इज ओवर। ट्रस्ट मी, इफ यू एवर गॉट कॉट इन द इंटरव्यू जस्ट बिकॉज यू आर लाइंग एंड यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई, योर इंटरव्यू इज ओवर। ट्रस्ट मी, इफ यू हैव टू लाई इन द इंटरव्यू, मेक इट अ परफेक्ट लाई, बी प्रिपेयर्ड इफ यू हैव टू लाई, देन ओनली। या शुभम, एनी डाउट्स? यू हैव रेज्ड योर हैंड, नो डाउट्स, नो सर। ओके, तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको लिखनी है। देन योर नेचर ऑफ कमीशन, शॉर्ट सर्विस हो गया, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, यू नो दैट कि किस एंट्री के लिए आप जा रहे हो। देन नंबर ऑफ चांसेस, तो दोज हु आर फ्रेशर्स दे विल राइट निल, दोज हु आर सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम, दे विल राइट एज जैसे उनका है। ठीक, दिस वॉज अबाउट पी आई क्यू। प्रॉपर अलाइनमेंट शुड बी देयर, वॉट आर द डिटेल्स शुड बी देयर, इसी में से क्वेश्चन आएगा। सो जब आप अपना पी आई क्यू भर के अपने सामने रखते हैं, हैव दिस थिंग कि अगर मुझे इस बंदे या बंदी को चेक करना हो कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रही है, कैसे चेक करूंगा, क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा? राइट डाउन ऑल द क्रॉस क्वेश्चन ऑन योर कॉपी, देन आंसर इट। राइट डाउन द आंसर ऑल्सो कि आप कैसे आंसर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी आस्क मी सर व्हाई योर मार्क्स गेट ड्रॉप्ड इन द 12th, आई एम कमिंग बैक टू यू नवदीप, देन यू हैव टू राइट द आंसर इन द कॉपी कि सर माई मार्क्स गेट ड्रॉप ड्यू टू आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट और आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम, वट एवर द जेन्युइन रीजन इज, एंड देखो उसको पढ़ो कि कितना जेन्युइन लग रहा है। ये नहीं जेन्युइन लग रहा है, चेंज इट, मेक इट इन अ डिफरेंट मैनर। यस नवदीप सर, ये जो 14th कॉलम है उसमें एसएससीज के रिगार्डिंग देखना है, जो भी प्रीवियस थे आपके। हाँ तो सर, मेरा मीन्स जो ओटी के लिए था, जो 23 का फर्स्ट अटेम्प्ट था ना उसके लिए, हाँ, लेकिन अटेम्प्ट नहीं कर पाया उसको, तो उसका लिखना है इसमें सर नहीं। पीआई के लिए जो एसएसबी, आप एसएसबी बोर्ड में गए और आपने अटेम्प्ट करी, जिनमें आपने ओआईआर पीपीडीटी सेशन करा, आपका रिजल्ट आया स्क्रीन आउट या अंदर स्क्रीन इन, वही लिखना है। उसके अलावा जो आपने अटेंड नहीं करी वो नहीं लिखना है। सो व्हाट आई वाज टेलिंग, हाँ, तो आई वाज टेलिंग दिस थिंग, ठीक है, तो अपना ये देख लीजिएगा। एंड जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ के जाइए, ऐसा लगे कि आप थोड़ा पैशनेट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप कह तो रहे हैं कि आई वॉन्टेड टू जॉइन इंडियन आर्मी फ्रॉम बचपन, बट आपको रैंक स्ट्रक्चर ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि आर्मी का कमांड कहाँ है, आपको यही नहीं पता कि कौन सी डिफेंस न्यूज़ कहाँ चल रही है, आपको कोई आइडिया ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से लेके। तो आप कैसे बताओगे यू आर पैशनेट, आप कैसे बताओगे कि आप लायक हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो एवरी वर्ड यू विल से इन द इंटरव्यू विल जस्टिफाई द थिंग्स वी हैव डन इन द पास्ट, करना ही चाहिए उसको जस्टिफाई। और आगे अगर आपसे फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको किसी सिचुएशन में डाला जा रहा है, यूज योर कॉमन सेंस एंड देन आंसर अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन योर पी आई क्यू एंड यू हैव ऑलरेडी रिटन योर एस डी इन वॉट बैकग्राउंड यू आर कमिंग फ्रॉम। ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें आपको लगता होगा शायद, कभी आप सोचते होगे कि जस्ट एक नॉर्मल इंटरव्यू है, बातचीत होनी है, समटाइम्स इट्स जस्ट अ नॉर्मल इंटरव्यू, बट आपको अपना प्रोफाइल बिल्डिंग तो स्ट्रांग करके जाना है. इफ़ योर प्रोफाइल, इफ़ योर पीआईक्यू इज नॉट सेइंग समथिंग, चांसेस आर वेरी मिनिमल यू विल गेट सिलेक्टेड, ट्रस्ट मी. जिनका पीआईक्यू बहुत स्ट्रांग है वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर अगर आप पीआईक्यू अच्छा नहीं करके जाओगे और अच्छी तरह से फिल नहीं करोगे और अच्छी तरीके से अपने पीआईक्यू पे रिसर्च नहीं करोगे, देन यू आर इन ट्रबल. वन ऑफ द थिंग्स यू शुड नोटिस, जो ड्रामा कॉलेज आर्ट ये ऐसे राइटिंग लिखा है, देर इज अ थिंग अलाइनमेंट इन द ईयर्स ऑल्सो, 2019, देन 2017, देन 2016. दैट इज वॉट टेल्स यू कि हाउ गुड यू आर इन ऑब्जर्वेशन, हाउ गुड यू आर इन रिप्रेजेंटेशन, हाउ गुड यू आर इन प्रेजेंटिंग थिंग्स, एंड दैट इज एक्चुअली द थिंग दैट इज गोइंग टू गेट मैटर्ड. भाई कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप उसको भी तो देखना है कि यार कैसे करता है ये बंदा बंदी, हाउ गुड शी इज और ही इज. सो आई होप आई हैव क्लियर सम ऑफ द डाउट्स विच वुड हैव बीन देयर, बट आई डोंट नो हाउ मच. ठीक है, सो नाउ कमिंग बैक टू द डाउट सेक्शन, इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट यू मे आस्क, अदरवाइज विल रैप अप द सेशन. And I'll put this recording in the Telegram so that every other member can also watch it. Yes, Abhishek, kya doubt? Sir, can listening to music be a hobby? Yes, it can be a hobby. It can be a hobby. And sir, is it necessary to write, fill the PIQ in capital letters? No, it is not necessary. You can see on the screen, the PIQ is not filled in capital letters. Jahan pe capital letter mention hai, wahin pe likho, baki aur kahin nahi. Not required. Okay, sir. चलो, एज अभिषेक हैज सेड कि लिसनिंग म्यूजिक हॉबी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलो अप क्वेश्चंस, है ना. वेलकम वीर, बी प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलो अप क्वेश्चंस. व्हाट आर द फॉलो अप क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक यू लिसन, कौन सा फेवरेट सिंगर है, उसका कोई एक अच्छा गाना बता दो, अच्छा यही फेवरेट सिंगर क्यों है, अच्छा ये कौन से क्लासिकल म्यूजिक गाता है या क्या गाता है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, लेटेस्ट कौन सा गाना तुमने सुना, क्यों ये पसंद आ रहा है, और क्या क्या सुनते हो, इंग्लिश गाना क्यों नहीं सुनते हो, तुम तो बिहार से हो, भोजपुरी क्यों नहीं सुनते हो, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन में पूछ जाएंगे, तो बी रेडी फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. यस नवदीप, यू हैव रेज्ड एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके. यस रोहित, व्हाट योर डाउट, रोहित व्हाट्स योर डाउट, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क. रोहित यू हैव रेज्ड योर हैंड. ओके वीर, व्हाट्स योर डाउट? सर ऐसे मेरी तीन सिस्टर है, तीनों की शादी हो गई है, तो उनको मेंशन करना है उधर पीआईक्यू में? गुड क्वेश्चन. अब इट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड टू बोर्ड, सम बोर्ड से कि मेंशन इट, सम बोर्ड से डू नॉट मेंशन इट. इन जनरल 70-80% ऑफ द बोर्ड सेज डू नॉट मेंशन अबाउट द सिस्टर्स व्हिच हैव हु हैव बीन मैरिड टू समवन एल्स और वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, बट सम ऑफ द बोर्ड समटाइम्स ए फेस बी जनरली से कि नहीं नहीं इसको मेंशन करो. तो व्हेनेवर यू आर फिलिंग द पीआईक्यू देयर, ask them कि सर मेरी तीन बहनें हैं and they have been married और इतना time हो चुका, they are not living with us, should I mention them? If that JCU officer या फिर जो psychologist या फिर जो GTU sir वहाँ पे रहते हैं, if that says कि भैया mention कर दो, then you have to mention. If they says कि कोई ज़रूरत नहीं, do not mention. Army वाले SSB में वो कहते हैं कि मत mention करो most of the time, Air Force वाले में वो कहते हैं कि mention कर दो. ठीक है, depends upon board to board. Good question. Okay. Yes, Abhishek. Sir, as I am pursuing my BSc, so what should I write in the section of result? Are that result are waiting? Nothing, कुछ नहीं लिखना, छोड़ देना है. Simply just leave BSc, blank. हाँ, BSc लिखो, उसके बाद first year लिखो. मैं बताता हूँ यहाँ पे, इस वाले कॉलम में यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे BA general लिखा है, यहाँ पे BSc लिखो, PCM डालो ब्रैकेट में, और उसके बाद यहाँ पे ईयर मेंशन कर दो, अभी जो प्रेजेंट चल रहा है, या फिर ईयर बाद मेंशन करो, सिंपली यहाँ पे परसेंट भी मेंशन करो, यहाँ पे मेंशन करो बस फर्स्ट ईयर, यहाँ पे जहाँ पे ईयर मेंशन है वहाँ पे मेंशन करो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, है ना, सिंपल एज इट इज. और ये सब छोड़ दो, ये इंग्लिश भर दो, डे स्कॉलर भर दो, अभी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो बस. ओके चलो रोहित, डू यू हैव एनी डाउट्स, यू हैव रेज्ड योर हैंड, आई एम आस्किंग अगेन, इफ नॉट देन आई विल एंड द सेशन. ओके फाइन, यू माइट नॉट बी इन द क्लास. So, anybody else have any doubts? No doubts? Okay. So, that's all. That's for the session. We'll meet some other day. Till then, bye-bye. Take care. Good night. Have fun.